हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेक्सपियर सोनेट 29। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम सोनेट 29 डिस्कस करेंगे शेक्सपियर का, एंड इसकी डिटेल से समरी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे एंड वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर का जो सोनेट 29 है, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज। एंड शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर अपने इमोशंस को इस तरह से हमारे सामने रखते हैं कि उसी की वजह से उनको क्या किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। उन्होंने अपने हर इमोशन के बारे में लिखा है। एंड इस सोनेट में शेक्सपियर काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं। इस सोनेट में शेक्सपियर क्या करते हैं, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज, ये जो सोनेट है 29, इसमें शेक्सपियर काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं, तभी वो किसी पर्सन को मिस करते हैं। एंड सोनेट में उनके बारे में बताया नहीं है कि वो किस पर्सन को मिस कर रहे हैं। एंड अगर बात करें उनके राइटिंग स्टाइल की, तो शेक्सपियर हमेशा सोनेट में लिखते थे। सोनेट्स जो होती है 14 लाइंस की होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखते थे। एंड उनकी जो एंडिंग है वो क्या है, राइमिंग कपलेट। एंड सोनेट 29, इस सोनेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं आर अबाउट द शेक्सपियर डार्क साइड। ये जो सोनेट 29 है, इसकी जो हमारी फर्स्ट 8 लाइंस है, ये जो फर्स्ट 8 लाइंस है वो किसके बारे में बताती है, डार्क साइड के बारे में। एंड 9 एंड 10th एक्सप्रेस अ सबटल चेंज। एंड 9 और 8th जो लाइन है वो किसके बारे में बताती है, चेंज टू सबटल चेंजेस के बारे में ऑफ टोन। एंड 11 से 14 लाइंस है जो वो बताती है हमें, कंक्लूड विद अ मोर पॉजिटिव आउटलुक। जो मोर पॉजिटिव आउटलुक है वो 11 से 14 लाइंस के बीच में निकल के आता है। एंड इसके की पॉइंट्स की अगर बात करें इस सोनेट 29 की, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फेयर यूथ सोनेट्स 126। दिस फर्स्ट ग्रुप ऑफ सोनेट्स आर एड्रेस टू अ यंग मैन विद होम द पोइट हैज़ अ डीप फ्रेंडशिप। सोनेट ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं, 154। कितनी सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने, टोटल 154। उन्हें डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। टोटल सोनेट्स है 154, उन्हें डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में। जो फर्स्ट कैटेगरी है द फेयर यूथ सोनेट्स, इसके अंदर हमारी सोनेट 29 आती है। एंड 1 से लेके 126 जो सोनेट्स हैं वो आपकी आती हैं द फेयर यूथ सोनेट्स के अंदर। इसको टाइटल दिया गया है द फेयर यूथ सोनेट्स को। 1 से लेके 126 की जितनी भी आपकी सोनेट्स हैं उनको क्या टाइटल दिया गया है, द फेयर यूथ सोनेट्स। एंड इनमें क्या डिस्कस किया गया है, एड्रेस टू अ यंग मैन विद होम पोइट्स हैज़ अ डीप फ्रेंडशिप। एंड जो सेकंड पार्ट में डिवाइड की गई हैं, 127 से 152 सोनेट्स को डिवाइड किया गया है। एंड उसे टाइटल दिया गया है द डार्क लेडी सोनेट्स। एंड इसमें डिस्कस किया जाता है, इन्फेचुएट विद अ मिस्टीरियस वूमैन ही रिलेशनशिप विद अ यंग मैन इज अनक्लियर। इनमें जो 127 से 150 सोनेट्स हैं, इसमें किसके बारे में बताया गया है, मिस्टीरियस वूमैन के बारे में। एंड जो आपका थर्ड पार्ट है, इसको टाइटल दिया गया है द ग्रीक सोनेट्स। एंड इसके अंदर 153 से 154 सोनेट्स आती हैं। एंड इसमें बताया गया है द फाइनल 2 सोनेट्स आर वेरी डिफरेंट एंड ड्रॉ अपॉन द रोमन मिथ ऑफ क्यूपिड। समझ गए फ्रेंड्स, टोटल सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने 154, उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर किसी को अलग टाइटल दिया गया है। एंड किस पार्ट में कितनी सोनेट्स है ये आपको लर्न करना है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर, इसकी हम समरी करते हैं। When in disgrace with fortune and man's eyes, I all alone beweep my outcast state and travel deep heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate. इसमें क्या कहते हैं, When in disgrace, जब भी मैं निराश होता हूँ with fortune, इस बात से ना मेरे पास फॉर्चून है। किस बात से निराश होता हूँ, ना तो मेरे पास फॉर्चून है एंड ना ही लोगों की आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है। आई ऑल एलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ। क्या करता हूँ, अपने आप को अकेला फील करता हूँ। बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अकेला रोता हूँ। माई आउटकास्ट स्टेट, बिवीप मीन्स क्या होता है, रोना। मैं अकेला रोता हूँ माई आउटकास्ट स्टेट। आउटकास्ट मीनिंग क्या होता है,
अ पर्सन हु हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय देयर सोसाइटी। जब किसी पर्सन को उसकी सोसाइटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आउटकास्ट। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइस, मेरे जो बूटलेस क्राइस हैं, बूटलेस मीन्स होता है यूजलेस, मेरे जो बूटलेस क्राइस हैं उनसे भी गॉड नहीं, मेरी बूटलेस क्राइस में लगातार रो रहा हूँ लेकिन गॉड क्या है, मेरी इस प्रॉब्लम को नहीं सुन रहे हैं। और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे अपने नसीब को कोसता हूँ, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने नसीब को कोसता हूँ। एंड विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोसेस्ड डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप विद वट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट। मैं जब विश करता हूँ कि मेरे पास किसी आदमी की तरह गुड लुक्स हो, इसमें ये फीचर्स लाइक हिम का मतलब क्या है, फीचर्स लाइक हिम का मतलब है गुड लुक्स, फीचर्स लाइक हिम का मतलब क्या है, गुड लुक्स, कि मेरे पास किसी आदमी की तरह गुड लुक्स हो एंड कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो, उस आदमी की तरह मेरे पास स्किल्स हो। इसमें जो आर्ट दिया गया है उसका मीनिंग क्या है, स्किल्स, मेरे पास स्किल्स हो उसकी तरह मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, इन सब चीज़ों से डिससेटिस्फाई फील करता है। एंड येट इन दीज थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ड्रीक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स ह्यूमन एट हेवंस गेट। जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो खुद से और ज़्यादा नफरत करने लगता हूँ। येट इन दीज थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग, जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, खुद से ही नफरत करने लगता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यहाँ पे जो दी दिया गया है वो उस पर्सन को सोचते हुए कह रहे हैं, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन स्टेट, देन माई स्टेट, और अपने बारे में सोचता हूँ एक लार्क की तरह हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ, एक लार्क की तरह, एक लार्क है जो सुबह होते ही उड़ जाती है, एंड सलन अर्थ को छोड़ के गॉड के लिए भजन गाने के लिए। एंड जो वो लार्क है सुबह होते ही उड़ जाती है, वो क्यों उड़ जाती है, सलन अर्थ को छोड़ के गॉड के लिए भजन गाने के लिए, हिम्स गाने के लिए वो उड़ जाती है। फॉर द स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। फिर मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ और खुद को बड़ा वेल्दी फील करता हूँ, तो मेरे पास वेल्दी फील करता हूँ एंड क्या होता है, तो मेरे पास ऐसा वेल्थ आ जाती है कि मैं किसी किंग से भी शेयर नहीं करना चाहता। फॉर द स्वीट लव आई लिव रिमेंबर, जब मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, वेल्थ ब्रिंग्स आती है। दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। एंड अगर कोई मेरे से कहे कि तुम राजा से अपना जो वेल्थ है उसे चेंज कर लो, तो मैं उसे राजा से भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने आप को इतना वेल्दी फील करने लगता हूँ। ये इसकी समरी थी फ्रेंड्स। एंड देन डिस्कस करेंगे हम इसके MCQs। हु हैज़ बीन एड्रेस सोनेट 29, ऑप्शंस आर दी, हिज वाइफ, हिज बिलव्ड, डार्क लेडी, आंसर इज दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिवीजन ऑफ शेक्सपियर सोनेट, कपलेट, क्वेट्रेंस, थ्री क्वेट्रेंस एंड आ फाइनल कपलेट, ऑक्टेव, सेसेट एंड ऑक्टेव, आंसर इज थ्री क्वेट्रेंस एंड अ फाइनल कपलेट। शेक्सपियर हमेशा किस में लिखते थे, थ्री क्वेट्रेंस एंड फाइनल कपलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द सोनेट फर्स्ट पब्लिश, ऑप्शंस आर 1609, 1607, 1610, 1605, आंसर इज 1609। 1609 में फर्स्ट टाइम सोनेट्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिज गुड मूड टू एट द एंड ऑफ द सोनेट, ऑप्शंस आर अ लार्क, अ स्काई लार्क, अ डार्क, आंसर इज अ लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोनेट्स आर जनरली रिटन इन फ्री वर्स, एम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स, एम्बिक ट्राइमीटर, ऑप्शन आपके ये हैं एंड आंसर है एम्बिक पेंटामीटर। सोनेट्स आर जनरली रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स जो है मोस्टली लिखे जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, लाइक टू द डैश एट ब्रीक ऑफ द डे अराइजिंग, ऑप्शंस आर स्काई लार्क, लार्क, नाइटेंगल, नन ऑफ दीज,
Answer is lark. Like to the lark at the break of the day arising. Question number 7. And travel dash heaven with my bootless cries. Dumb, deaf, lamb, none of these. Answer is deaf. Question number 8. I all alone beweep my dash state. Options are cast, outcast, recast. Answer is outcast. Which poem of T.S. Eliot has used the tone of the sonnet 29? As Wednesday, The Wasteland, Prelude, none of these. Answer is As Wednesday. Question number 10. When in disgrace with fortune and man's eyes, this sonnet is? Options are 30, 39, 29, 54. Answer is 29. Question number 11. The Italian sonnets usually contains. Options are an octave and a quatrains, a sestet and a quatrains, an octave and a sestet, and none of these. Answer is C. An octave and a sestet. Question number 12. This sonnet is an example of what kind of poetry? Lyric, dramatic, epic, none of these. Answer is lyric. Question number 13. Sonnet 29 concludes with a feeling of doubt, happiness, jealousy, sadness. Answer is happiness. Question number 14. The speaker rouses himself out of his sadness by. Options are remembering that he is able to write fine poetry, recalling good times he has had with his friends, summoning his family around the fire, thinking of the person he loves. Answer is thinking of the person he loves. Question number 15. What does the speaker means when he says he troubled deep heaven with bootless cries? Options are he can't find his shoes and want God's help. God does not answer his prayer. He does not have friend. Answer is God does not answer his prayers. Question number 16. Sonnets usually are in free verse, ambic pentameter, ambic trimeter, verso tonico. Answer is ambic pentameter. Question number 17. How many quatrains are contained in English sonnet? 1, 2, 4, or 3? Answer is 3. What is a volta or turn? Options are 4 lines from a sonnet, emotional twist and final argument, the tone of poem. Answer is emotional twist and final argument. Volta kya hota hai? Emotional twist and final argument. Question number 19. Which of the following best explain the narrator outlook on his life? Options are his life is drained of meaning by his unwilling atheism. He wants to be rich like his friends. Religion is his only refuge in a world of sorrows. His love redeems all other dissatisfaction. Answer is his love redeems all other dissatisfactions. Question number 20. What is volta of a sonnet? Opening line, seeming trust, most famous line, contradiction. Answer is D, contradiction. The first 4 lines of sonnet 29 could be paraphrased as, when I think about how much I miss my beloved, when I sit alone and feel sorry for myself and my bad luck, when I get into a fight with my friends and we curse on another, when I make a fortune and don't know what to do with. Answer is B. When I sit alone and feel sorry for myself and my bad luck. And next question. What does the poet feel like a bird singing hymns at heaven's gate at the end of the sonnet? Answer is he remembers that another human being loves him. Next question. With whom does the poet compare himself in the poem? Answer is to a lark. To what does the phrase deep heaven refer? Kisko refer karta hai? God ko. Next question. Who is the poet addressing in this sonnet? Kisko address karte hain? Di ko. What does the poet curse in the poem? His fate. Kisko curse karte hain? His fate ko. Whom does the poet call in the poem? God. And next question. What does the first line of the poem suggest about the poet? Answer is he is depressed. Next question. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. Next question. What is the type of this sonnet? English or Shakespearean sonnet is a type hai. And next question. Who is the writer of this sonnet? William Shakespeare.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू मूड्स आर कंट्रास्टेड इन सोनेट 29? आंसर, इन सोनेट 29 बाय शेक्सपियर टू मूड्स आर कंट्रास्टेड, आउटकास्ट एंड डिप्रेस्ड, विद लविंग एंड होपफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली. हाई फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें. फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स.